हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है रोटला, एक मसाला वाला काठियावाड़ी रोटला जिसका नाम है अवजिया रोटला। काठियावाड़ में अवजिया रोटला से बहुत ही फेमस है और स्पेशली ठंडी में ये रोटला वो खाने का बहुत मजा आता है। तो आइए आज बनाते हैं अवजिया रोटला। अवजिया रोटला बनाने के लिए बेस है बाजरी, बाजरी का आटा। बाजरी का आटा नॉर्मल जो मिलता है मार्केट में वही लिया है। उसके साथ लेना है हमें एक आधा चम्मच जितना अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच है ब्लैक पेपर का पाउडर मतलब काला मरी का पाउडर, और आधा चम्मच है नमक। और उसके साथ लेना है हमें लाल मिर्च के साथ कूटा हुआ लहसुन, अराउंड 8 से 10 लहसुन की कली है, उसको आधा चम्मच लाल मिर्च के साथ मैंने कूट लिया है। यही लहसुन का चटनी हम इस रोटला में यूज करेंगे। तो आइए बनाते हैं रोटला। अराउंड 2 से 3 रोटला बनाने के लिए हमने ये प्रोपोर्शन में सारी सामग्री ली है। अगर आप ज्यादा रोटला बनाना चाहते हो तो वही प्रोपोर्शन में आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च के साथ कूटा हुआ लहसुन का चटनी है, और उसके साथ लेंगे हम अजवायन, जिसे थोड़ा हम हाथों से क्रश करके डालते हैं, हल्दी पाउडर, काली मिरी का पाउडर और नमक। सारी चीजों को हमें अच्छे से पहले सूखा ही मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ये आटे को अच्छे से मिक्स करके एक साइड में कर दीजिए और एक एक रोटला का आटा गूंदिए। अगर एक साथ आपने आटा गूंद लिया होगा तो वो आटा लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, इसकी वजह से आपका रोटला प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है आटे के साथ। और फ्रेंड्स, इसमें कोई कोई लोग मेथी भी डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हो। मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि बाजरी का टेस्ट भी थोड़ा बिटर रहता है, और उसके साथ अगर मेथी ऐड किया जाए तो मेथी का टेस्ट भी थोड़ा सा बिटर हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। हम रोटला मिट्टी की लोई में बनाते हैं, तावड़ी में बनाते हैं, इसीलिए तावड़ी को पहले हम गर्म करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद रोटले का आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेके, जैसे हम नॉर्मल रोटले का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है और अच्छे से मसलना है। रोटले के आटे में कभी भी एक साथ नहीं पानी ऐड नहीं करना है। नॉर्मल वाले रोटले का जो वीडियो है वो भी मैंने शेयर किया है, आप उसमें भी आटा कैसे गूंथते हैं वो देख सकते हैं। बाजरे की लोट को अच्छे से मसाला होगा तो ही रोटला एकदम सॉफ्ट और अंदर से रुई जैसा होगा, इसलिए ध्यान से आप इसे पहले अच्छे से मिसल लिए और मसलने के बाद ही रोटला प्रिपेयर कीजिए। हम एक अच्छे से बड़ा सा लोई लेंगे और उससे हम बनाएंगे रोटला। आपको जैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था वही हिसाब से हम दो हाथों से बनाते हैं, एक हाथ को स्ट्रेट रखते हैं और दूसरे हाथ को हम घुमाते रहते हैं। ऐसे ही रोटला अपना साइज बड़ा होगा और धीरे धीरे इवन शेप, राउंड शेप ले लेगा। यही रोटला मैंने सूप के साथ सर्व किया था, लेकिन फ्रेंड्स वो एक छोटी छोटी साइज में बनाया हुआ था, ये हम बड़ी साइज में बना रहे हैं, उतना ही डिफरेंस है। बाकी ये सेम रोटला हम सूप के साथ सर्व कर चुके हैं। हमारा तावड़ी जो है अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम रोटला को पहले तावड़ी में डालेंगे। तावड़ी
फ्रेंड्स, तावड़ी में डालते समय बहुत ही ध्यान रखे, उसके अंदर भंवर ना आना चाहिए। इसीलिए हल्के हाथों से पूरा अर्क निकालते हुए हम तावड़ी में स्प्रेड करेंगे रोटला को। रोटला को अच्छे से कुक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी वजह से उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो ड्राई हो जाता है। तो हम ऐसे ही तावड़ी में डालने के बाद रोटला को स्प्रेड पानी स्प्रेड करेंगे और हल्के आंच पे उसे कुक होने देंगे। जब तक हमारा एक रोटला कुक हो रहा है तब तक हम दूसरे रोटले का आटा भी गूंद लेते हैं। सेम ही रीत से आप एक एक रोटले का आटा गूंदोगे तो बहुत ही अच्छा रोटला आपका प्रिपेयर होगा। एक साइड हमें कच्चा कुक करना है, इसीलिए थोड़ी सी देर के बाद, मतलब आधी या एक मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, एक साइड अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा कुक हो गया है। तो बस हम रोटला को टर्न करेंगे और फुल हीट पे इसे कुक होने देंगे। दूसरी साइड पे हमारा रोटला जो है वो कुक हो गया है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर कुक हुआ है कि नहीं। अगर जो साइड कच्चा है उसे हम थोड़ा आंच के नजदीक लाएंगे, मतलब बीच में आंच ज्यादा रहता है इसलिए हम उसे क्रॉस में कुक करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गया है रोटला। अगर रोटला सूखा हो गया होगा तो उसमें क्रैक आने का संभावना रहता है, इसीलिए हम इसके ऊपर पानी डालते हैं। दूसरी साइड भी हम इसे फुलाएंगे अभी रोटला को, तो रोटला को हमने पलटी कर दिया है और उसे दबाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। अच्छे से धीरे से उसमें हवा भरेगा और वो फूल जाएगा। अगर आपको हीट ज्यादा लगती है तो थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर सकते हैं। अगर रोटला प्रॉपर फूल नहीं रहा है तो ऊपर से हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाइए ताकि उसे फूलने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं रोटला जो है वो फूल चुका है, उसे अभी हम कुक होने देंगे। हल्का सा जो ऊपर का जो पर्ड है वो क्रिस्प होगा तो ही रोटला खाने का बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स, रोटला एकदम ही क्रिस्प होके रेडी हो गया है, तो बस इसे हम घी लगा के सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हम दूसरा रोटला नहीं बना लेते तब तक इसे ऐसे ही फुला हुआ रखना है। इसके अंदर जो स्टीम रहता है उसी से ही ये ज्यादा कुक हो जाएगा। अभी तो कुक तो है ही, लेकिन अच्छे से कुक अंदर से भी हो जाए इसकी वजह से इसे स्टीम ऐसे ही रखेंगे। और जब भी हमारा दूसरा रोटला हो जाए तो उसे फिर तोड़ेंगे और उसके बाद इसका स्टीम जो है वो निकाल के इसे अंदर से घी लगाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम ही अच्छे से ऊपर का जो पर्ड है वो रेडी हो गया है और अंदर भी एकदम अच्छे से कुक हो गया है। रोटला में अगर घी नहीं खाया फ्रेंड्स तो रोटले का मजा नहीं आता है, इसीलिए अच्छे से इसे घी लगाइए और अंदर तक पहुंचे घी उतना ध्यान रखिए। अराउंड 2 चम्मच जितना घी मैंने इसमें यूज किया है और उसको कवर कर लेंगे वापस उसके पर के साथ और उसे भी ऊपर से घी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा काठियावाड़ी अवजिया रोटला। फ्रेंड्स, अवजिया रोटला रेडी है, इसके अंदर पूरे मसाले हैं, इसीलिए सिंपल इसे दही के साथ खाइए, बहुत मजा आएगा खाने का सच्ची में। देखते रहिए मेरा चैनल घर पे इस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। लेकिन फ्रेंड्स, बनाने के बाद कमेंट में शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू।